देख रहे थे सॉल्यूशन में देखे हैं सॉल्यूशन क्या है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है नोट्स तो बनाते रहिए और साथ में क्वेश्चन आंसर भी करते रहिए कैलकुलेट द ऑफ बेंजीन बेंजीन का मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड और सीसीएल फोर का इन ट्वेंटी टू ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन वन ट्वेंटी टू ग्राम ऑफ कार्बन टेटाक्लोराइड तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ट्वेंटी टू ग्राम हो गया सॉल्वेंट बेंजीन वन ट्वेंटी टू ग्राम हो गया सॉल्यड सॉल्वेंट सी सी एल फोर तो सॉलिड को डब्लू टू से तो डब्लू टू बराबर ट्वेंटी टू ग्राम और डब्लू वन वन ट्वेंटी टू ग्राम टोटल ऐड करेंगे वन फोर्टी फोर ग्राम हो गया सॉल्यूशन और परसेंटेज निकालेंगे तो डब्लू डब्लू टू बाई डब्लू इन टू हंड्रेड एंड डब्ल्यू वन बाई डब्ल्यू इंटू हंड्रेड इस तरह से पहला निकल जाएगा कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग थर्टी परसेंट बाई मास इन कार्बन डेटा क्लोराइड का कह रहा है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए और बेंजीन थर्टी परसेंट बाई मास कह रहा है इस, इसका मतलब यह हो गया कि बेंजीन तीस ग्राम अगर होगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड सेवेंटी ग्राम होगा और सॉल्यूशन हंड्रेड ग्राम होगा तो डब्लू वन डब्ल्यू टू हमें पता हो गया सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोड है डब्लू वन सेवेंटी ग्राम डब्लू टू बेंजिन थर्टी ग्राम दोनों का मोलर मास निकालेंगे और मोलर मास निकाल करके उसके गिवेन मास को थर्टी और सेवेंटी को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा एन वन एन टू वहाँ से मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा एक्स टू इजकल टू एन टू बाई एन वन प्लस एन टू जो फार्मूला आपको पता है यहाँ से एक्स टू बराबर एन टू बाई एन वन प्लस एन टू और एक्स वन बराबर एन वन प्लस एन टू तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके निकाल सकते हैं कैलकुलेट द मोलरिटी थर्ड क्वेश्चन कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन दो पार्ट्स है क्वेश्चन का ए और बी थर्टी ग्राम ऑफ सी ओ एन ओ थ्री होल्ड टॉइस कार्बन कार्ब कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्सा हेक्सा हाइड्रेटेड सॉल्यूशन है इन 4.3 पॉइंट थ्री ऑफ द सॉल्यूशन तो थर्टी ग्राम इसको तो इसके कोबाल्ट को एनो थ्री को होल तो इसके एटम्स के मोलर मास को जोड़ करके हम मोलिकुलर मास निकाल लेंगे मोलिकुलर मास से डब्लू टू थर्टी ग्राम जब डिवाइड करेंगे तो मोल निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम दिया हुआ है फोर पॉइंट थ्री तो यहाँ से मोलिटी निकल जाएगा दूसरा पार्ट में थर्टी एम एल ऑफ द जीरो पॉइंट फाइव एम एस टू एस ओ फोर डायलूटेड टू फाइव हंड्रेड एम एल सोलूशन तो पहले का मोलरिटी निकल गया और वॉलूम निकल वॉलूम दिया हुआ है दूसरे वाले का भी मोलरिटी दिया हुआ है जीरो पॉइंट फाइव वॉलूम तो एम वन वी वन इज टू एम टू वी टू से निकाल सकते हैं या फिर हम लोग ये कर सकते हैं तो कि थर्टी एम एल ऑफ़ जीरो पॉइंट फाइव एम एस टू एस ओ फोर में फाइव हंड्रेड एम में नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे थर्टी मोल में पहले निकाल लेंगे थर्टी मोल थर्टी मिलीलीटर दिया हुआ है जीरो पॉइंट फाइव मोल पर लीटर सॉप्सन दिया हुआ है मोलिटी में तो जीरो पॉइंट फाइव और थर्टी एम से नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे और जो नंबर ऑफ मोल निकलेगा उस नंबर ऑफ मोल और फाइव हंड्रेड एम लेकर के अगला वॉल्यूम निकाल लेंगे तो जैसे भी हो निकाल सकते हैं इसको कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया एन एस टू सी ओ एन एच टू रिक्वायर्ड इन मेकिंग टू पॉइंट फाइव के जी ऑफ जीरो पॉइंट टू फाइव मोलल एक को क्वेश्चन बहुत आसान सब है बहुत भारी नहीं ऐसे नहीं बन सकता है और बन रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया यू टू निकालना है तो इसका मोलर मास निकालेंगे एन एस टू सी ओ एन एस टू नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन इसका मोलर मास को ऐड करके रिक्वायर्ड इन मेकिंग सिक्सटी ग्राम है एंड रिक्वायर्ड इन मेकिंग टू पॉइंट फाइव के जी तो डब्लू वन टू पॉइंट फाइव के जी दिया हुआ है तो यहाँ पर डब्लू वन दिया हुआ है हमें यहाँ एम टू दिया हुआ है डब्लू टू नहीं पता है और मोलालिटी जीरो पॉइंट टू फाइव दिया हुआ है तो मोलेलिटी का फॉर्मूला इसको पुट करके निकाल सकते हैं सीधा कैलकुलेट द टू पॉइंट फाइव क्वेश्चन कैलकुलेट मोलालिटी मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई ईव द डेंसिटी ऑफ ट्वेंटी परसेंट एक्वस के आई इज़ वन पॉइंट टू जीरो टू ग्राम डेंसिटी दिया हुआ है डेंसिटी से हम लोग उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं टोटल मास ऑफ द से निकाल सकते हैं ट्वेंटी परसेंट है तो वहाँ से डब्लू टू निकल जाएगा एट्टी परसेंट डब्लू वन निकल जाएगा तो डब्लू वन डब्लू टू पता चल गया हम लोग को क्या ही पता है वाटर पता है तो वहाँ से एम टू और एम वन मोर मास दोनों का कैलकुलेट करके निकाल लेंगे और इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं वॉल्यूम भी हमें पता हो ही गया डेंसिटी से तो मोलैलिटी डब्लू वन पता है मोल फैक्शन नंबर ऑफ़ मोल पता है डब्लू एन टू तो वो निकल जाएगा मोलाटी वॉल्यूम पता है एन टू पता है वो निकल जाएगा ठीक है मोल फ्रैक्शन दोनों का मोल नंबर ऑफ मोल पता ही है वन एन टू तो वो भी निकल जाएगा तो इस तरह से हमारा क्या हो गया शोशन बनता है अब डिटेल में एक एक करके थोड़ा देखते हैं अच्छे से ये फॉर्मूला को यूज करना है आंसर नंबर टू पॉइंट वन टोटल मास ऑफ टोटल मास ट्वेंटी टू प्लस वन ट्वेंटी टू वन फोर्टी फोर है और मास परसेंट जब बेंजीन निकालना है तो ट्वेंटी टू बाई वन फोर्टी फोर इंटू हंड्रेड फिफ्टीन पॉइंट टू एट हंड्रेड में से माइनस करके जो बचेगा वो हो क्या होगा सी सी एल फोर होगा जैसे बना सकते हैं टू पॉइंट टू टू में है मास ऑफ द बेंजीन थर्टी ग्राम दिया हुआ है मोल मोल्स ऑफ बेंजीन सी सिक्स एस सिक्स निकालेंगे तो मोलर मास सेवेंटी एट होगा जिससे मोल्स ऑफ बेंजीन हम लोग को एन टू निकल गया उसी तरह से यहाँ मोल्स ऑफ सेवेंटी एट जोड़ के निकाल सकते हैं मास ऑफ सी सी एल फोर सेवेंटी ग्राम है मास ऑफ सी सी एल फोर निकालेंगे तो वन फिफ्टी फोर होगा तो यहाँ से एन टू मोल्स ऑफ एन वन निकल गया तो हमें एन टू पता हो गया यहाँ से एन वन पता हो गया मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है हम लोगों को एन टू बाई एन वन प्लस एन टू होता है तो इस तरह से निकल जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम लोग टू पॉइंट टू बना लिए टू पॉइंट थ्री देखेंगे मोलर मास ऑफ सी ओ एन ओ थ्री होल्ड टू एस सिक्स एस टू यहाँ से मोलर मास निकाल लेंगे सी ओ एन एस थ्री का ठीक है क्योंकि उससे क्वेश्चन में पूछा था हम लोगों को क्या कि मोलर मास निकाले टू फाइव उसका दिया हुआ था इसमें तो वहाँ से वो निकाल लेंगे और एम वन भी वन और एम टू भी टू यूज करके हम लोग क्या करेंगे उसका ये निकाल लेंगे ठीक है तो इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा दोनों ही जगह पर मोलरिटी निकल जाए दो बार मोलरिटी निकालना था पहली बार इस तरह से निकाल लेंगे दूसरी बार इस तरह से निकाल लेंगे तो निकल जाएगा ठीक है सिंपल क्वेश्चन है सीधा फॉर्मूला बेस्ड है थोड़ा तो संबंधी की जरूरत है क्वेश्चन को और गिवेन नोट करके बना लेंगे टू पॉइंट फोर क्वेश्चन में देखिएगा W2 टू हम लोग को निकालना था ये मास हम लोग को निकालना था W2 टू राइट मोलरिटी हम मोलर मास हम लोग जोड़ के लिए हैं यूरिया का सिक्सटी होता है एन एच टू सी ओ एन टू वहाँ से मास ऑफ द सॉल्फिन टू पॉइंट फाइव हुआ है वहाँ से मास निकल गया अब उस तरह से हम लोग देखेंगे तो हम लोग टू पॉइंट फाइव क्वेश्चन में दिया है ट्वेंटी परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट सोल्यूशन के आई मीन्स ट्वेंटी ग्राम ऑफ के आई इन हंड्रेड ग्राम ऑफ द सोलूशन एट्टी ग्राम वाटर हो गया मास ऑफ के आई ट्वेंटी ग्राम है मोलर मास ऑफ के आई वन सिक्सटी सिक्स यहाँ से मोल्स ऑफ के आई निकल गया मोलेलिटी निकालना है तो एन टू बाई डब्लू वन इन के होता है तो के में बदलने के लिए एट्टी ग्राम को थाउजेंड से डिवाइड करेंगे यहाँ से मोलिटी निकल गया वॉल्यूम ऑफ सोलूसन हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डेंसिटी से निकालेंगे गिवन मास से मोरन मास ये टोटल मास ऑफ सोल्यूशन बाय डेंसिटी डी बराबर तो ये डेंसिटी वन ग्राम पर लीटर था के पर लीटर था तो वहाँ से या मिली ग्राम पर मीटर में बदल सकते हैं तो हम लोग को वॉलूम निकल गया जब वॉल्यूम निकल गया तो मोलिडिटी हमें पता है अभी हम यहाँ निकाले हैं मोलिडिटी राइट जीरो वन टू जीरो तो वहाँ से हम लोग क्या निकल गया मोलि मोलाडीटी निकल गया मास ऑफ़ के आई हमें पता है जीरो पॉइंट वन टू जीरो और मोल्स ऑफ एच टू हम निकालेंगे फोर पॉइंट फोर तो मोल्स ऑफ के आई पता है मोल्स ऑफ मतलब एन टू और एन वन पता है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा तो इस तरह से हम लोग टू पॉइंट फाइव तक का सारा इंटेक्स क्वेश्चन देख लिए हैं और थोड़ो एन सी आर टी देखने के लिए सारा वीडियो देखते रहिए और ये अगर समझ में नहीं आया तो उसका पीछे वाला सारा वीडियो देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बनाइए और एक ही मेथड इन सारे क्वेश्चन बनाने का नहीं होता है इससे अलग मेथड से भी अगर आप बनाते हैं तो बना करके हमें कमेंट्स में भेजिए दिखाइए थैंक यू टेक केयर पढ़िए बढ़िए